पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की। भाग्रापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। सर्च टीम ने ढूंढ निकाली। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हैं। इस वक्त हम अनामया सर्कल पर मौजूद हैं और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर। 8 गोलियां लगी हैं। किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन है। सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था। तुम्हारा माइक का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? 1 महीने के बाद भी दंगे जारी हैं। कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। पुष्पा की बॉडी छुपाकर क्या पुलिस हमें गुमराह कर रही है? आखिर पुष्पा है कहाँ? जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा है। इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। चुपके का नहीं। सामने कोई भी हो मैं झुकेगा नहीं। तो मेरे को एक चांस दे के देखो ना, इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होगा। क्या बोलते हैं साहेब, क्या नाम क्या है तेरा? बनवर सिंह सिकुआ।